परम आलय द इसोटेरिक टेम्पल सेजवानी इंदौर के पास, जहाँ साल में चार बार कुछ रेजिडेंशियल कैंप्स होते हैं, हम चलेंगे एक बार परम आलय द इसोटेरिक टेम्पल की एक छोटी सी यात्रा के लिए। प्रकृति की गोद में बसा हमारा परम आलय द इसोटेरिक टेम्पल, जहाँ सुबह सवेरे सूर्य की किरणों के साथ उस सूर्य की आराधना होती है, चांद तारों के नीचे मेडिटेशन होता है। इस प्रकृति की गोद में हम बैठकर वो रसपूर्ण नाश्ता करते हैं और इतने प्रयोग अपनी ऊर्जा को खिलाने के। उसके बाद बहुत ही स्पेशल सत्र होते हैं, पूज्य परमाले जी के सानिध्य में वो ज्ञान के मोती बिखेरते हैं, उनके जीवन का अनुभव हमारे साथ साथ बांटते हैं। जो भी प्रश्न हमारे भीतर होता है उसके इतने सुंदर हमें उत्तर देके तृप्त किया जाता है। कुछ ऐसे प्रयोग जी आई गुरजीएफ, जो अभी 100 साल पहले ही रशिया में एनलाइटन हुए, सबसे पहले हमारी कर्मेंद्रियों को, फिर ज्ञानेंद्रियों को, रसेंद्री और अतेंद्री को कैसे बैलेंस में लाना, और उसके बाद होता है वो रसपूर्ण भोजन, जो पूरे भावों के साथ माँ इतने प्रेम से तैयार करती हैं। इतने आइटम हम सोच भी नहीं सकते। पेड़ा होता है बिना दूध, बिना चीनी, बिना मावे का, इतना टेस्टी जो आपने कभी नहीं खाया होगा। समोसा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भी 8 घंटे से पुराना नहीं, किसी में कोई केमिकल नहीं, और इतना टेस्टी हम सोच भी नहीं सकते। अपनी चेतना को विकसित करने का इतना सुंदर वातावरण शायद ही इस पृथ्वी में और कहीं हो। और अब समय आ गया, और कुछ ही सीट्स होती हैं वहां परम आलय इसोटेरिक टेम्पल में, और वो सीट्स इतनी जल्दी फुल हो जाती हैं कि जितने लोग वहां आते हैं वो बाद में जब जाने का समय आता है, एक एक जना ऐसा कह के जाता है, हमारे घर जाने की इच्छा नहीं हो रही, इतना आनंद आ गया, इतना प्रेम मिला कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे।